स्टार्ट कर रहे हैं नया, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। तरीके से सारी रेशियो पढ़ ली है, लिक्विडिटी रेशियो की सारी बात कर ली, सॉल्वेंसी की सारी बात कर ली, बात सुनो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या बताती है कि आप किस रेट पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है बाबू, सबसे पहले बात करनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। सबसे थकी हुई रेशो यही है बेटा, ठीक है। इसमें जीपी रेशो सबसे थकी हुई है। फॉर्मूला क्या है बेटा, जीपी ऑपरेशन रेवेन्यू मतलब सेल्स या प्रॉफिट। ऑब्वियसली बेटा अगर है 100 है जो कि बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का मेन पार्ट है, तो अब वो आंसर शुड बी परसेंटेज। हमेशा आंसर प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का परसेंटेज आएगा। बस ये यही तो बताया था कि आप प्रॉफिट किस रेट पे अर्न कर रहे हो, किस रेट पे अर्न कर रहे हो। एक बात और बेटा, जब भी मुझे सीपी रेशो कैलकुलेट करनी होती है और बहुत सारा स्वेट होता है, मैं हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही करता हूँ। सबकी अलग प्रैक्टिस है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही करता हूँ और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसी में रहोगे, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है ये चर्चा मैंने तब भी कर दी थी बेटा जब मैंने कॉक्स समझाया था। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न मतलब नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है वेजेस और कैरिज इनवर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में आता है इसलिए अलग से बताया था। बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो बचेगा वो जीपी है, ठीक है जी। और बेटा जीपी में एक तो ये फॉर्मूला, एक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की चर्चा कर दी, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, वो शॉर्टकट रिपीटेडली यूज होगा। 25% कमाया तो सेल्स का 20%, मतलब वो 1/4 है तो उसका 1/5 है, वो 1/5 है तो 1/6 है, जो बेटा चर्चा कर चुके हैं हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो में। सिंपल बात, जीपी रेशो में इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑपरेटिंग रेशो की। यहां से मुझे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बाकी देखते हैं बेटा। बाबू ऑपरेटिंग रेशो, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं तब चर्चा करता हूं। कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस देखेंगे, आराम से समझने की कोशिश करेंगे ये रेशो क्या बता रही है। बेटा सबसे पहले कॉक्स पे मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैंने कॉक्स बताया आपको क्या होता है सेल्स माइनस जीपी। इसके अलावा बेटा एक और फॉर्मूला बताया था, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा भी फॉर्मूला बताया था बेटा अगर याद हो तो, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, ठीक है जी। जो शॉर्टकट बताए थे वो भी बताए थे, कॉक्स पे चर्चा नहीं है बेटा। सिंगल स्टार ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और डबल स्टार ऑन ऑपरेटिंग इनकम, इसकी बात करते हैं बेटा। ये क्या चर्चा चल रही है बाबू, आपको बता देता हूं। पूरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा टी फॉर्म में समझ में आएगी, क्योंकि हम हमेशा इसमें ही कंफर्टेबल है। वर्टिकल फॉर्मेट बनाया कितनी बार है, अब शुरू किया मैंने तो 4 दिन पहले वर्टिकल फॉर्मेट एसपीएल जब सीखा। बाबू कितना वो कंफर्टेबल हो गया हूं मैं इसमें, मुझे लगता 12th का बस बच्चा कोई कंफर्टेबल होता है। तो हमेशा बेटा कभी भी दिक्कत में फंसो टी फॉर्म में सोचना शुरू कर देना, बचा लेगा आपको, बाहर निकाल लेगा। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, रिजल्ट आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है जी। ब्रॉड डाउन करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेटा मैं यहां पर बहुत सारी इनकम लिखता था पीएनएल अकाउंट में, और यहाँ बेटा बहुत सारे खर्चे। बाबू अगर मैं इनकी इनको कैटेगराइज करना चाहूं तो बेटा जो इनकम लिखता था वो भी दो तरीके की होती थी, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और खर्चे भी बेटा दो तरीके के होते थे, ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, ठीक है जी।
अगर बेटा जीपी में दोनों इनकम जोड़ दो, ये दोनों खर्चे माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आता था उसको बोलता था नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। लेकिन मेरा भाई नेट प्रॉफिट तक कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं उससे पहले की बात करूं बेटा। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं ये ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, या ये ऑपरेटिंग खर्चे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं, और मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है बेटा। बाबू अगर आप कोई दुकान चला रहे हो और आपको उस दुकान की वजह से कोई इनकम हो रही है, वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, जो आपको मेन ऑपरेशंस की वजह से हो रही है बिजनेस के। और बेटा नॉन ऑपरेटिंग क्या है, जो बेटा बिजनेस से नहीं हो रही। हमेशा समझाने के लिए एक बात है बेटा, 5 स्टार जनता दुकान खोलकर बैठा हुआ है, पर वो अगर उसे दुकान से कोई इनकम हो रही है ना, वो उसके बिजनेस की इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है। और दुकान के अलावा जितने भी इनकम हो रही है सब नॉन ऑपरेटिंग है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बाबू, उसने एक फ्लैट खरीदा हुआ है बेटा किसी पर्टिकुलर सिटी में, और वहां से बेटा वो रेंट रिसीव कर रहा है, मान लो 5-6 लाख रुपए। बाबू ठीक है, नेट प्रॉफिट में इंक्लूड होगा वो रेंट, आपने दिखाया भी बेटा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, सच बताना दुकान से हो रही है क्या उसको इनकम? ये तो फ्लैट के रेंट से आ रही है, दुकान से आ रही है, 5 स्टार जनता की दुकान के अंदर से आ रहे पैसे? नहीं बेटा। तो बाबू है नहीं है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हो रही, ठीक है जी। उसने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है बेटा, वहां से डिविडेंड आता है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बाबू उसने एक एफडी कराई हुई है बैंक में, बहुत मोटा इंटरेस्ट आता है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, दुकान से तो नहीं आ रही। यानी कि बेटा ऑपरेटिंग इनकम होती है जो दुकान से रियलाइज होती है, और कहीं ना कहीं बेटा जो आपके कोर्स में चीजें आने वाली है वो सिर्फ दो है ऑपरेटिंग इनकम है, एक बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड और एक बेटा कमीशन रिसीव्ड। कई बार बेटा फॉर्म्स मुझे कहती हैं कि आप बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद लो, हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे। बेटा मेरी दुकान की वजह से तो इनकम हो रही है, दुकान की वजह से मैं बल्क में खरीद रहा हूँ, बल्क खरीदने की वजह से बेटा डिस्काउंट मिल रही है। या कई बार कोई कंपनी कहती है मेरे प्रोडक्ट, मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच दो, मैं इतनी कमीशन ऑफर कर दूंगी। तो बेटा ये दोनों इनकम ऐसी है जो बेटा मेरे बिजनेस की वजह से हो रही है, इसलिए बेटा ये ऑपरेटिंग इनकम है, बाकी जितनी बची सब नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं आने का आपको। क्लियर है बेटा बात, समझ में आई? जैसे बेटा इनकम की दो कैटेगरी है, ऐसे ही बेटा खर्चों की भी दो कैटेगरी है, ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, ठीक है जी। बाबू जो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से खर्चे हो रहे हैं वो बेटा ऑपरेटिंग है, और जो बिजनेस की वजह से नहीं हो रहे बेटा बाबू वो नॉन ऑपरेटिंग है। मैं कहूं बेटा आपने एक फ्लैट खरीदा हुआ था और बेटा आज आपने बेच दिया, 5 करोड़ का खरीदा था, आपने घाटे में बेच दिया बेटा, 4 करोड़ का बेच दिया कोई इमरजेंसी की वजह से, 1 करोड़ का लॉस हुआ, यहां दिखा दिया दुकान का लॉस हुआ क्या? सच बताना ईमानदारी से, लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड दुकान की वजह से लॉस हुआ? वो क्या है ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, समझ में आ रही बात? क्लियर है बेटा बात? और वो दुकान के अंदर जो काम कर रहा है स्टाफ, उसकी सैलरी जा रही है या वेजेस जा रही है, तो क्या ऑपरेटिंग है भैया? दुकान चल रही है तो उसे रख रखा, नहीं चलती तो उसे भी बाहर निकाल देता है। क्लियर है ना बेटा बात? अब बाबू बात सुनो, चलो ये टी फॉर्म में तो मैंने बहुत कंफर्टेबल कर दिया आपको, शायद बात भी समझ में आ गई होगी, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। बाबू अगर मैं बात करूं खर्चों की कैटेगरी जो हम वर्टिकल फॉर्मेट में पढ़ते थे, वो बेटा कितनी थी? 7 थी, CPCEFDO, ठीक है जी। बाबू ये सीपीसी का डिस्कशन कॉक्स में आ चुका है, ठीक है, कॉक्स में सारे इन्वेंट्री इन्वेंट्री के सभी खर्चे आ जाते हैं, सीपीसी का काम तो निपट गया, ठीक है जी। इनमें से क्या ऑपरेटिंग है? देखो पूरा ई ऑपरेटिंग है, सिंगल स्टार डिफाइन कर रहा हूं, पूरा ई यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है बेटा सभी ऑपरेटिंग है। फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी ऑपरेटिंग नहीं है, काटा मार दिया मैंने, क्यों नहीं है? बच्चे कहते हैं बिजनेस की वजह से लोन ले रखा है, ये खर्चा है हमारा है, बिजनेस का खर्चा है। हमेशा मेरे को ये तर्क मिलता है बच्चों की तरफ से, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, सुन लो बेटा। फाइनेंस कॉस्ट हमारे लिए तो कभी भी ऑपरेटिंग हो ही नहीं सकता, फाइनेंस कॉस्ट हमेशा ऑपरेटिंग पता है किसके लिए होता है? फाइनेंस कंपनी के लिए यानी कि बैंक के लिए, और उनके लिए बेटा इंटरेस्ट रिसीव करना, ऐसे भी मैंने इंटरेस्ट रिसीव करने की बात करी थी कि एफडी करा रखी है ब्याज मिलती है, तो नॉन ऑपरेटिंग माना ना, उनके लिए बेटा इंटरेस्ट रिसीव करना भी ऑपरेटिंग इनकम है। क्योंकि देखो बैंक का काम तो समझो, ब्याज ही पे करता है आपके सेविंग अकाउंट पे और लोन पे ब्याज ही खाता है बेटा, उनके उसके लिए ये ऑपरेशन है,
तो बाबू ये उसकी ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग खर्चे हैं, इंटरेस्ट रिसीव करना, इंटरेस्ट पे करना, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ही आता है ना मेनली, अगर याद हो तो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पक्का से क्लियर है बाबू? अब डेप्रीसिएशन, बिल्कुल जी, डेप्रीसिएशन एक ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस चला रहे हो, एसेट्स का यूज कर रहे हो, डेप्रीशिएट हो रही है, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब अदर एक्सपेंसेस, इसका क्या करो बेटा, इसमें सारे तो नहीं पर बेटा सिर्फ चार खर्चे और मैं याद करा रहा हूं, जिसको बेटा मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा जी, बिल्कुल। डिस्काउंट आउट, धंधा चला रहा हूं भैया, डिस्काउंट देनी पड़ती है, धंधा चलाने का ही खर्चा है, धंधा चला रहा हूं बेटा, कुछ ना कुछ बैड डेट हो जाते हैं बाबू। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाबू, ये खर्चों की लिस्ट है जो ऑपरेटिंग है, बाकी सब क्या है नॉन ऑपरेटिंग। कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी, सभी क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा अब मुद्दा उठता है ये रेशो बताती क्या है, मैं इस पर तो चर्चा कर दूं, ये रेशो क्या बताती है बाबू। अगर आप देखो ढंग से, जब मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहा था तो मैंने सच में लिखा था ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, या मैंने ये नहीं लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, मैंने क्या लिखा ऑपरेटिंग रेशो। और सच मायने में अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, यानी कि ये रेशो ये बताती है कि आपके बिजनेस में ऑपरेशंस के खर्चे कितने हैं, ठीक है जी। मान लो बेटा मैं बोलूं न्यूमरेटर इज 20 लाख, ठीक है जी, एंड डिनोमिनेटर इज कुछ भी समझ लो 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो ये रेशो का आंसर है 80%। क्या पता लगा इससे 80% से कि बिजनेस को ऑपरेट करने करने का खर्चा 80% है, दुकान चलाने का खर्चा खर्चा बेटा 80% है। तो अगर समझदार हो तो बेटा तीसरी रेशो का भी हल्का सा डिस्कशन यहीं शुरू कर देता हूं, तीसरी रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर बहुत समझदार हो, बुद्धि में बात गई है तो समझदार तो बात समझ ही गए होंगे, अगर दुकान चलाने का खर्चा 80% है तो दुकान पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% हो रहे होंगे, ठीक है जी। यानी कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को प्लस कर दू तो ये 100% के बराबर होता है, ठीक है जी। और वो भी मैं साबित भी कर दूंगा, ठीक है। और आपको बता देता हूं कसम से ये झूठ नहीं है, मुझे 12th क्लास में पता नहीं था ये रेशो दोनों 100% के बराबर, हमारे टीचर ने मेरे भी समझाया नहीं, हमने तो फॉर्मूला रटे थे, ठीक है जी। और आज भी देख लेना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पढ़ाएं बात को आगे बेटा, चर्चा शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से। बेटा मैं पहले फॉर्मूला भी लिखूंगा, बाबू आप सब सामने देखते रहना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि ऑपरेटिंग रेशो 100% से ज्यादा हो? या तुम कितनी बेवकूफी वाली बात करते हो, हो नहीं सकता दुकान पे खर्चे हो 110% के, हो सकता है कि नहीं हो सकता? उस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा, वो नेगेटिव 10% होगा। सर 100 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये लॉजिक तो बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर हो सकती है रेशो 100% से ज्यादा, घबराना नहीं अगर पेपर में कभी 100% से ज्यादा आ जाए तो, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला मैं एक भी नहीं लिखूंगा, आपसे ही बनवाना है मुझे, सब सामने देखेंगे बेटा, ठीक है जी, आपसे ही डिराइव कराना है मुझे सारा फॉर्मूला। अभी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की बहुत सारी बात करी, दोबारा से वही बातें कर रहा हूं शुरू। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट आया, ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ब्रॉट डाउन करा, जितनी भी इनकम पीएनएल अकाउंट में लिखता हूं दो कैटेगरी है, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और जितने भी खर्चे आते हैं बेटा उसकी भी दो कैटेगरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर जीपी में दोनों इनकम जोड़ दो, दोनों खर्चे माइनस कर दो तो क्या आता है नेट प्रॉफिट, और सच मायने में जो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसमें से बेटा अगर मैं टैक्सेस माइनस कर दूं तो क्या आता है, तो बेटा आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सीक्वेंस होता है अगर टी फॉर्म की बात करूं, ठीक है जी। बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो सिर्फ बिजनेस के ऑपरेशंस से हुआ, ठीक है जी। यानी कि अगर प्रैक्टिकली बात ही मेरी बात समझ में आई जो मैंने भी बोली कि जो बिजनेस के ऑपरेशन से हुआ, तो आप खुद ब खुद कह सकते हो अगर जीपी में सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं जो मेरी दुकान से हुई
और सिर्फ दुकान के जो खर्चे खर्चे ये माइनस कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एग्रीड? सब पक्का एग्रीड बाबू? यानी कि बेटा इसका एक फॉर्मूला ये होता है, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा इस बात में? और एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। कई बार बेटा क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे देता है और आपको कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फंसाता है। और बाबू अगर फंस गए तो फिर तो क्या ही सीखा जिंदगी में, फिर तो रटा ही रटा। बाबू फॉर्मूला आपने डिराइव करना है, मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुका हूं, यहां तक पहुंच चुका हूं ना। अब सुनना बाबू, नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचाऊंगा? जीपी में ये दोनों ऐड करके और ये दोनों खर्चे माइनस करके ही तो पहुंचाऊंगा। मैं यहां पहुंच गया, मैंने कहा भाई तुझे तो सिर्फ ये खर्चा माइनस करना था, तूने ये भी कर दिया, चल ऐड बैक कर। और तुझे तो सिर्फ ये इनकम जोड़नी थी, तूने ये भी इनकम जोड़ दी, चल बाहर निकाल इसको। यानी कि बेटा अगर नेट प्रॉफिट हो तो बेटा ऐसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। समझ में कितना टुच्चा तरीका था? नेट प्रॉफिट तक पहुंच चुके हो, ये दोनों खर्चे दोनों इनकम ऐड करी होंगी, दोनों खर्चे माइनस करोगे तभी तो पहुंचोगा। मुझे तो ये एक्सपेंस माइनस ही नहीं करने अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और ना ही ये इनकम जोड़नी, मुझे तो ये जोड़कर और ये माइनस करके ही निकालना था ना, पर मैं यहां पहुंच चुका था। मैंने कहा माइनस क्यों कर दिया, ऐड कर, और ये जोड़ क्यों दिया, इसे माइनस कर। ठीक है जी। अब तीसरा तरीका भी हो सकता है, ऑल्दो बुक में मेंशन नहीं है पर मुझे लगता है ऐसा पेपर पूछ क्यों नहीं सकता। अगर बेटा कभी क्वेश्चन दे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पहले टैक्स जोड़ो, फिर ये जोड़ो, फिर ये माइनस करो, फिर पहुंचोगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब सब फॉर्मूला आपने डिराइव किए हैं भैया, अब मुझे ये नहीं बताना ऑपरेटिंग क्या नॉन ऑपरेटिंग क्या। मैंने ऑपरेटिंग इनकम भी बता दी, खर्चे भी बता दिए, जो नहीं बताया सब नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग की लिस्ट बहुत बढ़िया, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग याद कर लो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आई? अब आखिरी बात आज की, बेटा मैंने अभी बोला कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 1 के बराबर होता है या 100% के बराबर होता है, ये तो प्रूव कर दूं। बेटा ऑपरेटिंग रेशो का अभी फॉर्मूला लिखा था, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग खर्चे माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं परसेंटेज में निकालूंगा आंसर। बाबू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जीपी में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो, ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वही तो होता है बेटा। बाबू बेसिस सेम, एलसीएम बराबर आएगा, ऑपरेटिंग खर्चे, ऑपरेटिंग इनकम, कॉक्स प्लस जीपी बचा, कॉक्स प्लस जीपी सेल्स ही तो होता है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही तो होता है, यानी कि बेटा ये 1 के बराबर है। और अगर परसेंटेज में निकालता है तो 100% ही आता, हैंस प्रूव्ड। आपका मैथ्स का सबसे फेवरेट वर्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। बाबू बात क्लियर हुई? इलस्ट्रेशन नंबर 93-107। आज सिर्फ 15 ही है, ठीक है ना जी, और सिर्फ 15 ही मिनट का मुद्दा, सिर्फ 15 ही मिनट, ठीक है जी। कल रेशो पर लास्ट लेक्चर होगा, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।